जम्मू कश्मीर में मतदाता सूची संशोधन का कार्य रफ्तार से जारी है। इस बीच जम्मू प्रशासन की तरफ से जारी नए आदेश ने जिले में एक साल से रह रहे लोगों के लिए मतदाता सूची तक की राह आसान कर दी है। मंगलवार को दिए गए आदेश में तहसीलदारों या राजस्व के अधिकारियों को आवास प्रमाण पत्र जारी करने के अधिकार दिए गए हैं। प्रमाण पत्र जारी करने का मकसद उन लोगों को मतदाता सूची में शामिल करना है जो रजिस्ट्रेशन से परेशानियों का सामना कर रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेश में नए मतदाताओं के रजिस्ट्रेशन, नाम हटाने, सुधारने और जगह छोड़कर जा चुके या गुजर चुके मतदाताओं के नाम हटाने को लेकर विशेष संशोधन प्रक्रिया चल रही है। मंगलवार को जारी आदेश में जिला निर्वाचन अधिकारी और उपायुक्त अवनी लवासा ने उन दस्तावेजों की भी सूची भी जारी की है जिन्हें निवास के प्रमाण के तौर पर स्वीकार किया जा सकता है। आदेश के अनुसार विशेष संशोधन प्रक्रिया के दौरान जम्मू जिले में पत्र मतदाता का रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करने के लिए सभी तहसीलदारों को जरूरी फील्ड वेरिफिकेशन के बाद उन लोगों को आवास प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत किया जाता है जो एक साल से ज्यादा समय से जम्मू जिला में रह रहे हैं। ये सामने आया था कि जरूरी दस्तावेज नहीं होने के चलते कुछ पात्र मतदाता रजिस्ट्रेशन में परेशानियों का सामना कर रहे थे। ये दस्तावेज करा सकते हैं जमा, एक साल के लिए पानी, बिजली, गैस कनेक्शन, आधार कार्ड, राष्ट्रीयकृत अनुसूचित बैंक, पोस्ट ऑफिस की मौजूदा पासबुक, भारतीय पासपोर्ट, जमीन के मालिकाना हक का किसान भाई समेत राजस्व विभाग का रिकॉर्ड, अगर किराएदार हैं तो रजिस्टर्ड रेंट या लीज डेड, अगर खुद का घर है तो की सेल डीड। खास बात यह है कि दिशा निर्देश में यह भी कहा गया है कि नए वोटर के रजिस्ट्रेशन में इन दस्तावेजों के अलावा निवास के अन्य प्रमाण पत्र भी स्वीकार किए जाएंगे। हालांकि ऐसे मामलों में इलेक्ट्रोल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर की तरफ से अधिकार प्राप्त अधिकारी को फील्ड वेरिफिकेशन कराना होगा। इसके साथ ही ये निर्देश ऐसे समय पर जारी हुए हैं जब भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर लगभग सभी राजनीतिक दल गैर स्थानीय लोगों को वोटर लिस्ट में शामिल करने के लेकर चिंता जता चुके हैं। तत्कालीन सीईओ हरदेश कुमार ने अगस्त में कहा था कि मतदाता सूची के विशेष संशोधन के बाद जम्मू और कश्मीर में करीब 25 लाख अतिरिक्त मतदाता के शामिल होने की संभावना है। इसे लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमला बोला है और चुनाव आयोग की आड़ में बीजेपी की साजिश बताया है। वहीं बीजेपी ने इस पर करारा जवाब देते हुए एकदम यही फैसला है। रविंद्र रैना ने कहा, संविधान के अनुसार ही काम हो रहा है। नियम के मुताबिक कोई भी व्यक्ति जो एक साल से किसी एक नए स्थान पर रह रहा हो वह पुरानी जगह लिस्ट से अपना नाम कटवाकर नए स्थान पर जुड़वा सकता है। उसी के तहत ये आदेश जारी किया गया है। अब तक आर्टिकल 370 लागू होने के चलते ये नियम लागू नहीं हो पा रहा था। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर में फिलहाल वोटर लिस्ट तैयार की जा रही है और इस साल के अंत तक ये काम पूरा होने की उम्मीद है। इसके बाद अगले साल तक राज्य में चुनाव कराए जा सकते हैं। आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार चुनाव होने वाले हैं। केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिलने के बाद जम्मू कश्मीर के इस चुनाव पर सभी की नजरें होंगी।